नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है। इंडिया का जो शेयर मार्केट है, जिसे आप कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं दोस्तों, उसका जो सेटलमेंट पीरियड है उसे यहाँ पर कम कर T+1 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जानने के लिए। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या फिर कोई भी अपर मोस्ट नेशंस एग्जाम हो, यहाँ पर सभी के लिए आपके लिए न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाए। बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की, जहां पर के इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, या फिर इंडिया का जो शेयर मार्केट है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो वो अब दोस्तों क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है T1 सेटलमेंट के ऊपर। राइट, तो क्या होता है T1 सेटलमेंट, इसकी पूरी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वो सभी कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सेबी ने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है T1 सेटलमेंट साइकिल को। और यहाँ पर सेबी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि सेबी यहां पर क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है कैपिटल मार्केट के ऊपर। राइट, मतलब इंडिया में जो भी स्टॉक मार्केट के दोस्तों ट्रांजैक्शंस होते हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी किसके अंडर होते हैं, सेबी के अंडर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेबी का अगर मैं फुल फॉर्म की यहां पर आप लोगों से बात करूं तो होता है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात यहाँ पर बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता है, और जिन्हें नहीं पता एग्जाम में ये क्वेश्चन रेलिवेंट बन जाता है कि कैपिटल मार्केट के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी कौन सी हो जाती है, रेगुलेटरी बॉडी हमारी कौन सी हो जाती है, तो हो जाती है आपकी क्या, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर दोस्तों इंडिया में फॉल करता है, तो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। मतलब इसे यहां पर ओनरशिप ऑफ किसका दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स है वो सब हम यहां पर पढ़ें। उसी के साथ साथ अगर मैं यहां पर दोस्तों चेयरमैन की बात अगर आपसे करूं, ठीक है, चेयरमैन की बात अगर मैं करूं कि सेबी की यहां पर चेयरमैन कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी मधवी पुरी भुज। कौन हो जाएंगी, मधवी पुरी भुज। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका नाम भी यहां पर दोस्तों क्या रखें, याद रखें। ठीक है, डेफिनेटली हम आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ साथ उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिस्टिक्स न्यूज होती है वो भी आपको देते हुए चलेंगे, ताकि जब आप पूरा वीडियो कंपाइल फॉर्मेशन में देखेंगे या फिर नोट्स बनाएंगे बैठ के, तो बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, कवर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस टाइम डिटेल नहीं, आपका बुलेट पॉइंट्स काम आएंगे, और वो बुलेट पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, विजन इंस्टीट्यूट हमेशा आपकी हेल्प करेगा, और जब तक आप अपने एम को अचीव नहीं कर लेते हम आपके साथ यहाँ पर हमेशा खड़े रहेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, T2 से T1 की तरफ यहां पर हम शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, T2 क्या है, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। ठीक है, और अब हम शिफ्ट कर चुके हैं ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे की तरफ। तो ये जो शिफ्ट है दोस्तों, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कौन से क्या प्रोज है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे आगे चलते वक्त। राइट, तो आगे चलते बात करते क्या स्टोरी है इसकी। तो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल्ली इंप्लीमेंट द ट्रेड प्लस 1 T1 सेटलमेंट साइकिल फॉर इन्वेस्टर्स टू टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज। राइट, हालांकि इंडिया नहीं, चाइना भी दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जो कि T1 फॉर्मेशन पर काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के पहले चाइना ऐसा कंट्री है जो T+1 फॉर्मेशन पर यहां पर काम करता है, उसके बाद इंडिया जो है वो अपना T+1 फॉर्मेशन यहां पर लागू कर चुका है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये 27 जनवरी से लागू हो चुका है 2023, मतलब जो फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे दोस्तों हमारा गया है, यानी कि कल की अगर मैं बात करूं तो कल से ये T+1 वाला जो सिस्टम है वो लागू हो चुका है शेयर मार्केट के अंदर। अब कोई भी इंसान परचेज करता है या सेल करता है तो उसे एक दिन से ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल में भी हम बात करेंगे आगे डेफिनेटली, लेकिन इससे पहले इसकी स्टोरी पढ़ते हैं पूरी। असाइड फ्रॉम चाइना विच इज पार्टली अंडर T1 सेटलमेंट साइकिल, मोस्ट इंटरनेशनल मार्केट सच एज US, यूरोप, जापान आर स्टिल अंडर T2 सेटलमेंट साइकिल। राइट, हालांकि बात करें
तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला कंट्री पूरे वर्ल्ड में अभी सिर्फ और सिर्फ भारत हुआ है, इंडिया हुआ है, और चाइना भी जो है जैसे कि मैंने आपको बात करी वो अभी पार्शियल T+1 सेटलमेंट के अंदर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ यूएस, यूरोप की बात करूं और जापान की बात करूं तो ये अभी भी T+2 सेटलमेंट साइकिल के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब वहां पर जो शेयर मार्केट में डील्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज का इंतजार वहां पर करना पड़ता है, राइट। फ्रॉम 5 डे दैट इज 27th of January ऑनवर्ड शेयर सोल्ड एंड बॉट इन द इंडियन शेयर मार्केट वुड रिफ्लेक्ट इन इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 डे, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, राइट। 27 जनवरी 2023 से ये जो सर्कुलेशन है, रूल्स है, नॉर्म्स है, ये क्या हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। और अब आपको एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी शेयर को परचेज कर रहे हैं या किसी शेयर को सोल्ड कर रहे हैं तो आपको अपना ट्रांजेक्शन कॉस्ट या ट्रांजेक्शन अमाउंट T+1 डेज में क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा अपने डीमेट अकाउंट पे। अच्छा दोस्तों, डीमेट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी को नहीं पता है तो ये मैं बता दूं आपको कि अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना होता है तो आपको अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपके शेयर्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सिंपल बात, डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म वैसे तो पूछता नहीं है लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए क्योंकि हम हर एक पॉइंट का यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। तो डीमेट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, राइट। पहले क्या होता था दोस्तों, जब कोई भी शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन होते, जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 शेयर खरीदे, ठीक है, किसके खरीदे, मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ठीक है, तो मुझे 100 पेपर्स मिलते थे, वो बहुत पुरानी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और अब क्या होता है, जैसे कि मैंने फोन किया, मुझे 100 शेयर खरीदने इस प्राइस पर, उसने खरीद दिए और वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक ऑनलाइन मोड में, ठीक है, डीमटेरियलाइज मतलब डिजिटल मेथड में यहाँ पर मेरे अकाउंट में शो हो जाएंगे, राइट। तो बड़ी सिंपल चीज है यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज है। दिस इज एम्ड एट ब्रिंगिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फास्टर फंड रेमिटेंसेस, शेयर डिलीवरी एंड ईज ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो T1 फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, ठीक है, ये जो T1 सेटलमेंट यहाँ पर आया है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसे करने का, ठीक है, इसे करने का प्रोस क्या है, मतलब इसके क्या बेनिफिट्स यहाँ पर हैं। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो एफिशिएंसी मेंटेन होगी, ठीक है, फंड्स का जो आदान प्रदान है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से फास्ट व्यू में हो जाएंगे, फास्ट पेस में आप बोल सकते हो जाएंगे, शेयर की डिलीवरी बड़ी इजीली हो जाएगी और जो मनी फ्लो है, सर्कुलेशन है पूरे मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझे, इसके प्रोस को समझे, ठीक है, क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ना तो आपसे यही क्वेश्चन वो कर सकता है कि आप बताइए आपके हिसाब से आप T+1 सेटलमेंट के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए दोस्तों, राइट। द कंप्लीट शिफ्ट ऑफ T1 सेटलमेंट साइकिल वॉज रोल्ड आउट ऑन February 2022 स्टार्टिंग विद द सिलेक्ट स्टॉक्स एंड द गोल वॉज टू ब्रिंग अदर्स इन टू द फोल्ड, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। अब एक एग्जाम्पल जरूर हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, है ना, कि क्या होता है बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने SBI के 2 शेयर खरीदे या 10 शेयर खरीदे, मान लीजिए SBI के मैंने 10 शेयर खरीदे, ठीक है, SBI के 10 शेयर मैंने खरीदे मान लीजिए फ्राइडे को। तो फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आपको पता है सैटरडे संडे जो हमारा स्टॉक मार्केट है तो बंद होता है। तो एग्जाम्पल फ्राइडे का नहीं लेना चाहिए, मुझे लेना चाहिए मान लीजिए आपका ट्यूजडे का, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्यूजडे का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो ट्यूजडे को मैंने यहाँ पर 10 शेयर खरीदे किसके, SBI के। तो वो दोस्तों एक तो ट्यूजडे को मैंने ट्रांजेक्शन किया तो ये तो मेरा ट्रांजेक्शन डे हो गया ट्यूजडे, उसके बाद प्लस वन मतलब वेडनेसडे, ठीक है, तो T+1 के बाद मतलब ट्रांजेक्शन प्लस वन दिन के बाद यहाँ पर थर्सडे को क्या होगा दोस्तों, मेरे अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वही अगर मैंने मान लीजिए परचेज की जगह सेल किए तो वो भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन प्लस वन डे लेकर वहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी एंड फास्ट तरीका यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं कि हाउ डज दिस स्टॉक मार्केट वर्क इन इंडिया, कि जो स्टॉक मार्केट है इंडिया का एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर नहीं पता है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि थोड़ी सी डिटेल मुझे यहाँ पर आपको देनी है इस वीडियो में। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जब कोई एक नई कंपनी, मान लीजिए कि कोई एक न्यू कंपनी है, ठीक है, एक न्यू कंपनी हम एग्जाम्पल लेते हैं ABC कंपनी, ठीक है, ये ABC कंपनी नई कंपनी है। सबसे पहले इसने प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर क्या किया दोस्तों, डिस्पोज किया, ठीक है, डिस्पर्सल किया, डिस्पोज किया, आप कुछ भी बोल सकते हैं,
प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी क्या होती है, लिस्ट होती है, मतलब ये सेबी की दी हुई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, सेबी से परमिशन लेती है। उसके बाद ये अपना आईपीओ, ठीक है, आईपीओ क्या होता है, आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को क्या करते हैं दोस्तों, इश्यू करते हैं, मतलब पहली दफा शेयर मार्केट में, ठीक है, पहली दफा शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को क्या करते हैं दोस्तों, ये बेचने के लिए निकालते हैं पहली दफा। उसके बाद क्या होता है, जब इनका आईपीओ कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे, आज मैंने अदानी के शेयर खरीदे, या आज मैंने मान लीजिए कि सनफार्मा के खरीदे, या फिर मैंने मान लीजिए कि आज एसबीआई के खरीदे, या फिर मान लीजिए आज मैंने टाटा के खरीदे। तो ये हम जो बोलते हैं ये कौन से मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। आई बात समझ में आपको? उसी तरीके से एक और मैंने आपको चार्ट दिया था कि इसको और इजीली मैं समझा सकूं। स्टॉक मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो आईपीओ के थ्रू किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंट्राडे भी बोलते हैं या फिर डिलीवरी उठाना बोलते हैं, जो भी आप सुने होंगे कभी आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से चीज कि आज मैंने इसके इतने शेयर की डिलीवरी उठाई या आज मैंने इतना इंट्राडे किया। तो जो इंट्राडे और डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि सेकेंडरी मार्केट में आता है। और जो प्राइमरी मार्केट है इसमें नई कंपनी पहली दफा अपने शेयर्स को क्या करती है दोस्तों, बेचने के लिए बाजार में उतरती है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। अगर आपने मेरा डिटेल वीडियो स्टडी किया या फिर डिटेल मेरा कोर्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन मेरे से पढ़ा है, तो वहां पर मैंने आपको आईपीओ और एफपीओ का मतलब दोस्तों समझाया है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले बन चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी भी मैंने वहां पर की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स वहां पर हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है दोस्तों जिसके द्वारा हमारा इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो क्या करता है दोस्तों, काम करता है, ठीक है, वो काम करता है। ये पूरा प्रोसेस था जो मुझे यहाँ पर आपको समझाना था। आगे अगर मैं बात करूं कि ये T1 सेटलमेंट होता क्या है, क्या होता है, व्हाट इज द T1 सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, अंडर द T1 सेटलमेंट सिस्टम, इफ से यू बाय शेयर्स ऑन वेडनेसडे, इट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट बाय थर्सडे। दिस मीन्स दैट द सेटलमेंट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटीज हैपेंस ऑन 2 business days आफ्टर द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, राइट। तो बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया वेडनेसडे को आपने शेयर खरीदा तो ये ट्रांजेक्शन का दिन, और थर्सडे, ठीक है, वेनेसडे थर्सडे को आपका शेयर आ जाएगा, थर्सडे को नहीं तो फ्राइडे को तो पक्का आ जाएगा जैसे ही आपका मार्केट खुलेगा। वैसे यहां पर बोला गया है कि थर्सडे को ही आ जाएगा, तो इसे मान रहे हैं कि T+1 वाले दिन तो आपका ट्रांजेक्शन आ ही जाएगा, मतलब वो आपका शो करने लग जाएगा डीमेट अकाउंट में। सो विद द T1+ सिस्टम इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट क्रेडिट ऑफ शेयर्स एंड मनी within 24 hours, investor gets stocks and funds in their demat account or bank account on the second working day including the day of trade. Before this, India followed T2 settlement cycle and before that T3 settlement cycle. तो दोस्तों इसकी भी बात कर लेते हैं एक बार आप लोगों के साथ। तो basically क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, इसका पूरा एक journey है, वो journey हम थोड़ा यहाँ पर discuss करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, एक journey मुझे यहाँ पर आपको बतानी चाहिए। तो basically 2001 में दोस्तों क्या होता था, 2001 में अगर मैं जाऊं तो 7 days का यहाँ पर होता था पीरियड, कि अगर मैंने मान लीजिए कि मंडे को कुछ खरीदा है ना, तो वो कम से कम नहीं तो नेक्स्ट मंडे ट्यूजडे तक मेरे अकाउंट में शो करता था, 7 दिन लगते थे, वीकली सेटलमेंट सिस्टम होता था 2001 में। उसके बाद 2003 में थोड़ा सा हमने यहाँ पर ग्रोथ किया और हम लेकर आए क्या, T+3 वाला सेटलमेंट, के ट्रांजेक्शन प्लस थ्री वाला सेटलमेंट जो है वो आया था आपका कब, 2003 में, ठीक है। और 2003 में ही उसके बाद T+2 वाला सेटलमेंट भी आया था, ठीक है। तो कम करते गए हम दिन, धीरे धीरे कम करते गए। 2020 में दोस्तों T+1 वाला सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था, इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया था, लेकिन कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो कि इससे थोड़े खफा खफा से थे कि नहीं, T+1 तो हमारे लिए बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, आप इंडियंस के लिए तो सही रहेगा लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आ रहा है, उसकी भी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, उनके लिए ये T+1 वाला थोड़ा सा अनफेवरेबल था, लेकिन फिर भी इंडियंस पीपल के लिए या इंडिया के लिए ये अच्छा है बोलकर यहाँ पर इसे अब क्या कर दिया गया है, अप्लाई कर दिया है 2023 में, ठीक है। 27 जनवरी 2023 से T+1 के मेथड पर शेयर मार्केट काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पहले T+2 था, फिर उससे पहले T+3 था, और उससे भी पहले वीकली सेटलमेंट सिस्टम था, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी रही है कहीं ना कहीं, किस तरीके से यहाँ पर जो
जो सेटलमेंट साइकिल है वो कम होता गया है धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत अच्छे इंसान ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप अजय मेनन का नाम जरूर आपने सुना होगा, जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ हैं। तो अजय मेनन ने ये बात बोली है कि ये जो T+1 का जो ये सिस्टम हमने लागू किया ना, ये शो करता है कि इंडिया जो है अब वो डिजिटल जर्नी के ऊपर सीमलेसली वर्क कर पाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही है, और जो कि बहुत सही भी है कि ये जो T+1 है इसका मतलब हमारे पास जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अब हम क्या कर पाएंगे, उस मुकाम को छू पाएंगे जो हम एक पहले कुछ साल पहले सिर्फ मैनिफेस्ट करते थे, आज हम वो जिंदगी जिएंगे, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि ये जो T+1 सेटलमेंट है इस पर हमने शिफ्ट क्यों किया। एक तो क्वेश्चन होता है कहाँ किया और एक क्यों किया। तो देखो, कहाँ किया वो तो T+1 पर किया, और क्यों किया उसकी बात हम आपको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से बताएंगे। तो बाय मूविंग द शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू ट्रेड मोर बाय रोलिंग फंड्स एंड शेयर फास्टर्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सपोज करो मेरे पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है। 1,00,000 रुपए के शेयर मैंने परचेज कर रखे थे, उनको मैंने सोल्ड कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया। तो वो 1,00,000 रुपए वापस मेरे अकाउंट आने में कम से कम 7 दिन, 3 दिन या 2 दिन का समय ले रहे थे। अब वो मेरे पास अगले ही दिन आ जाएंगे, जैसे आज मैंने ट्रांजेक्शन किया, अगले दिन मेरे पास पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अब मुझे सुविधा हो जाएगी नेक्स्ट डे ही वापस से ट्रेड करने की। तो मतलब वो जो वेटिंग पीरियड है वो बिल्कुल निल हो चुका है यहाँ पर। अब नील तो नहीं कह सकते, 24 घंटे तो फिर भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है 7 दिन से तो 24 घंटे भले, ठीक है, वैसी बात। तो यहाँ पर 24 घंटे के इंतजार के बाद मुझे मेरा फंड अपने अकाउंट में बिल्कुल श्योर शॉट मिल जाएगा, जिससे मेरा जो होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ गई, ठीक है, दूसरी रोलिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। और सेबी डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स शॉर्टर सेटलमेंट आफ्टर इट वॉज एनकरेज बाई यूपीआई गेटवे फंक्शनल सीमलेसली एंड इट बिलीव दैट द साइंस वर प्रॉमिसिंग फॉर एरर फ्री फंड ट्रांसफर फ्रॉम ब्रोकर्स टू क्लाइंट्स एंड वाइस वर्सा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीआई के माध्यम से जो सीमलेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने इंडिया में क्रिएट कर पाए ना दोस्तों, उसके चक्कर में यहाँ पर सेबी ने यह डिसाइड किया है कि वो शॉर्टर पीरियड को क्या करेगा, फॉलो करेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों T+1 सेटलमेंट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेकर आए हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझें, ठीक है, आप इसे जानें। चलिए आगे इसकी बात करेंगे। मैंने एक मिनट पहले आपसे ये बात कही थी कि हम FDI FPI की बात भी यहाँ पर जरूर करेंगे। तो देखो होता क्या है, सिंपल है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना हमारा शेयर मार्केट कहीं अधूरा है, ठीक है। जैसे मिठाई बिना शक्कर के नहीं बन सकती, वैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बिना शेयर मार्केट थोड़ा सा डगमगा सकता है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट हिज कैपिटल। देखा, अब मेरे एकदम चार्ट, क्योंकि हम विजुअल जो करते हैं ना उसमें हम ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। इसलिए मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पर बनाए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में, ठीक है, इंडिया में भारत में क्या कर रही है दोस्तों, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बड़ा ईजी है, दो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा क्या, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, एक मिनट। तो यहां पर एक होता है तुम्हारा क्या, FDI, एक क्या होता है FDI, और एक होता है तुम्हारा FPI। एक होता है FDI, एक होता है FPI। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस करने के मोटो से यहां पर आता है, और FPI सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कमाने के मोटो से यहां पर आता है, ठीक है। बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब टोटल कैपिटल का 10% या फिर उसके अबव कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो उसके प्रोज क्या है कि एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करती है, स्टेबल लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है यहाँ पर कि भाई काफी सालों के लिए यहाँ पर आया है हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व, और प्रोवाइड्स फाइनेंशियल टू डेवलपिंग कंट्रीज। इससे जो कंट्री है जिस पर इन्वेस्ट हो रहा है वो डेवलप करती है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बूस्ट करने में ये पर क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि आपको पता है इंडिया इज नॉट येट डेवलप्ड, इंडिया इज इन द डेवलपिंग फेज। तो अगर हमें फॉरेन हेल्प मिल रही है, फॉरेन एड मिल रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, राइट। इसके कुछ कॉन्स भी हैं दोस्तों कि कभी कभी ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को सूट नहीं करता। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडियंस ने कुछ सोचा है, लेकिन क्योंकि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब जो पैसे दे रहा है तो थोड़ी उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। तो ये चीज, इन्वेस्टर मे हैव लेस मॉरल अटैचमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर जो होंगे वो इतने ज्यादा मॉरल अटैचमेंट के साथ नहीं आएंगे। आज मेरा बिजनेस है तो मुझे ही अटैचमेंट होगी, उससे बाहर वाले को क्यों होगी, ठीक है। अनएथिकल एसेस टू लोकल मार्केट्स, और इससे बड़ी बात कि मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी,
कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स T+1 सेटलमेंट को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे दोस्तों क्योंकि टाइम जोन जो होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब इंडिया का टाइम जोन अलग है, यूएसए का अलग होगा, यूरोप का अलग होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक दिन में जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, 9:15 मार्केट खुलता है, 3:30 मार्केट बंद हो जाता है शेयर मार्केट, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस टाइम में हमारा इंडियन मार्केट है और किसी बाहर वाले को अगर इसमें क्या करना है दोस्तों, ट्रेड करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले बात तो उसको धीरे धीरे मिलती है, तो T+1 में तो उसका सेटलमेंट टाइम कम हो गया ना, उसको सोचने का कम टाइम मिला, उसको लेने का, खरीदने का, बेचने का कम टाइम मिल रहा है, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे थे टाइम जोन की वजह से कि भैया एक तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे हमारे पास आएगी, ठीक है। दूसरी बात कि तुमने एक दिन का समय कर दिया, तो एक दिन में क्या हम करें, क्या तो हम परचेज कर ले, क्या तो हम सोल्ड कर ले, क्या तो हम इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर ले, ठीक है। तो ये वजह थी कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स इससे दुखी हैं या इन्हें अपोज कर रहे हैं कि सेबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सेबी ने क्या किया दोस्तों, इंडियंस की सोची और ये बात यहां पर तय कर दी कि अब सेटलमेंट पीरियड T+1 डे पर ही होगा। और एक होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे फिजिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, क्विकर रिटर्न ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट और हायर लिक्विडिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यहाँ पर कोई डिसीजन सेइंग नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए इजी होता है ये। और इसके कॉन्स क्या है कि नो डायरेक्ट कंट्रोल, वोलेटाइल और कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन, कि कभी भी वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके क्या है कॉन्स है। अब देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये है। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में दो तरीके से, FDI और FPI, जिसकी लिमिट भी मैंने तुम्हें बता दी कि 10% के ऊपर जो होता है वो FDI होता है, 10% या 10% के ऊपर, और 10% से नीचे जो होता है वो होता है तुम्हारा FPI, ठीक है, बिलो 10% FPI होता है। तो ये बात मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो ये पूरा वीडियो दोस्तों इसी बात को कंक्लूड करने का था कि जो सेबी जो है वो T+1 सेटलमेंट यहाँ पर लेकर आया है, जिससे इंडियंस को बड़ी खुशी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़े से दुखी है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी इसको अडेप्ट कर लेंगे। और दो तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आता है, एक आता है FDI की तरफ से और एक आता है FPI की तरफ से, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरी चर्चा यहाँ पर बता दी। तो पूरी न्यूज जो थी उसको छोटे से 10 से 15 मिनट के सेशन में यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया विद डेप्थ नॉलेज एंड वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं रिलेटेड टू बैंक, SSC, रेलवे, ठीक है, WBCS, और हम IAS की तैयारी भी दोस्तों यहां पर स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसके लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऐप है जहां पर आपको वीडियोस अंडर दी वन रूफ मिल जाएंगे, चाहे करंट अफेयर्स के वीडियोस हो, कोई टेस्ट हो, कोई जीके कैप्सूल हो, फ्री मॉक टेस्ट चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट चाहते हो, जॉब नोटिफिकेशन चाहते हो, ऐप में आपको सारी चीजें अंडर दी वन रूफ मिलेगी, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगने पर आप इसे लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ जो नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड शेयर करते रहे फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी मजेदार वीडियोस की लिंक और PDF प्राप्त करने के लिए, ताकि आप इसे अवेल कर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।